वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाई रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, हम केमिस्ट्री डिस्कस कर चुके थे पहले वीडियो में, पार्ट वन। यह है आपका पार्ट सेकंड। केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पार्ट सेकंड का पहला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में होती है? ये आपने देख लिया था, सिंपल इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। ये जो इक्वेशन दी हुई है, रिएक्शन विथ डेल्टा एच इजल टू डेल्टा ई, यानी कि डेल्टा एच इजल टू डेल्टा ई वाली अभिक्रिया है। चार ऑप्शन आपके सामने, सी प्लस टू एच टू ओ, या फिर देख सकते हो आप यहाँ पर पहली इक्वेशन और सेकंड यहाँ पर जो रिएक्शन दी हुई है थर्ड, ये सब चारों ऑप्शन देख के आपको बताना है कि यहाँ पर डेल्टा एच इजक्वल टू डेल्टा ई वाली अभिक्रिया कौन सी है, रिएक्शन कौन सी है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 2CO+O2 या फिर PCl3+CO2Cl2 या फिर H2+Br2, इसके मिलने से 2HBr। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले आपने टिक लगाना है, लगा लिया, लेट मी चेक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा H2+Br2, HBr बनेगा। ठीक है, ये लास्ट वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन गाइज, पहले आप टिक लगाया करो अपने माइंड में। ठीक है, वह पदार्थ जो गैंग के साथ प्रतिक्रिया करके गलनीय द्रव्य बनाता है कहलाता है। सबस्टांस फॉर्म्ड बाय फ्यूज मैटर विथ प्लक्स इज कॉल्ड प्लक्स, कैटलिस्ट, स्लग या फिर और, यानी ऐसा किसको बोलते हो। वह पदार्थ जो गैंग के साथ प्रतिक्रिया करके, गैंगो वाले ने जो गैंग बन के आते हैं, गैंग का मतलब यहाँ पर आप इंग्लिश का सहारा ले सकते हो। ठीक है, कि सबस्टांस फॉर्म्ड बाय फ्यूज मैटर विथ प्लक्स इज कॉल्ड प्लक्स, इसका मतलब ठीक है प्लक्स के साथ। राइट ऑप्शन क्या होगा गाइज बताओ। आई होप टिक आपने लगा लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्लग, यानी कि दतुमल। चलो आगे, निम्न में से कौन सा अणु एंटीबॉडी अणु कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है? निम्न में से कौन सा अणु एंटीबॉडी अणु कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है? विच ऑफ द फ्लोविंग मोलिक्यूल हैज़ अनफेड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉर्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, O2, B2, N2, Ca2। निम्न में से कौन सा अणु एंटीबॉर्डिंग अणु कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है? इसका राइट ऑप्शन होगा O2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है O2। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी सिक्का ही तो समझ में नहीं आ रहा हो, सीधा कमेंट कर देना। किसी भी क्वेश्चन में आपको लग रहा हो कि ये कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, कमेंट बॉक्स में बताया करो। किसी देखो, जब तक आप अपना डाउट नहीं बताओगे तो कैसे क्लियर करेंगे हम भी। ठीक है, और वैसे बहुत ही अच्छे MCQs है, कोई डाउट आपको होगा नहीं, बहुत सारी इसमें क्लियरिटी है। किसी दांतों के सल्फाइड अयस्क को दांतों ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है? किसी दांतों के सल्फाइड अयस्क को दांतों ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सल्फाइड और मेटल कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बर्जन से, बेसमरीकरण से, या फिर प्रगलन से, या फिर निस्तापन से। बताओ क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बर्जन, यानी कि बाय रोस्टिंग। बाय रोस्टिंग किसी दांतों के सल्फाइड अयस्क को बर्जन, यानी कि रोस्टिंग मेथड से। ठीक है, सल्फाइड अयस्क को दांतों ऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता है बाय रोस्टिंग से। अगला क्वेश्चन, सारी विधियां याद रखनी गाइज आपको। ये किसी दांतों सल्फाइड दांतों के निष्कर्षण की सारी विधियां, लोहे को कैसे पृथक किया जाता है, तांबे को कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें आपको फेन प्लाउन विधि बहुत सारी आपके बुक में दी हुई है, और उन्हीं से MCQs बनकर आते हैं आपके एग्ज़ाम में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक रेयन बनाने में प्रयुक्त होता है?
पॉलीमर यूज टू प्रिपेयर रियोनिज, सेल्यूलोज, पॉलिएस्टर, नायलॉन, स्टार्च। निम्न में से कौन सा बहुलक रियोन बनाने में प्रयुक्त होता है? पॉलीमर यूज टू प्रिपेयर रियोन इज। इसका राइट ऑप्शन देगा आपका सेल्यूलोज, फर्स्ट वाला ए। अगला, विच ऑफ द फ्लोविंग रिएक्ट विथ इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ AgNH3OH, यानी कि AgNH3OH के जलीय विलयन से क्रिया करता है? एथेन, एथीन, वन ब्यूटीन, टू ब्यूटाइन। AgNH3OH के जलीय विलयन से क्रिया करता है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वन ब्यूटीन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जब टू ब्यूटाइन को H2O के साथ PbBSO4 की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता है तब बनने वाला उत्पाद होगा? When टू ब्यूटेन इज मेड टू रिएक्ट विथ H2 इन प्रजेंस ऑफ PbBSO4 द प्रोडक्ट फॉर्म इज। बनने वाला उत्पाद आपको बताना है, वन ब्यूटीन, टू हाइड्रोक्सी ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन या फिर सिस टू ब्यूटीन। देखो टिक पहले आप लगाओगे तो आपका फायदा होगा, आपके माइंड की, आपकी मस्तिष्क की एक्सरसाइज होगी, जिससे आपका माइंड इस काबिल हो जाएगा कि आप थोड़ा सा लोड लेके किस प्रकार टिक लगा सकते हो। थोड़ा सा अपने माइंड पर लोड डालो गाइस, तभी ये एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं, इनएक्टिव ही रहेगा वरना। ठीक है, और थोड़ी सी हैबिट होगी ना एक्टिव करने की, तो वैसे आप कुछ भी कर सकते हो फिर तो। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम फाइट कर सकते हो। सो इसका राइट ऑप्शन भी आपने लगा दिया होगा टिक, गलती से ही, गलती से भी तो कुछ सीखोगे आप, क्योंकि इन फ्यूचर आप गलती दोबारा नहीं करोगे, राइट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सिस टू ब्यूटीन। अगला क्वेश्चन देखो, किसी क्वेश्चन में गाइज थोड़ा सा मिस प्रिंट हो सकता है क्योंकि टाइपिंग टाइम हो सकता है ऐसा, तो आप कमेंट कर दिया करो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निम्न समांगी अभिक्रिया के लिए दर नियतांक की इकाई है? क्वेश्चन तो आपको मिलते रहेंगे गाइज, क्योंकि आपके लाइक इतने सारे आ रहे, क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे क्योंकि हम रोक ही नहीं सकते चाहके भी, आपको लोगों का प्यार इतना है, लाइक इतने, तो कैसे रोक सकते। ठीक है, इस चैनल पर तो मिल ही रहे, एक और चैनल ओपन कर रहा है जिसका नाम है GK MCQ MK चैनल, इसका लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हो आप, बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलते हैं, और उस पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। सो आप बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आराम से आप चेक कर सकते हो, इसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मोल लिटर यूनिवर्स, मोल एस स्क्वायर या फिर लिटर यूनिवर्स, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। निम्न समांगी अभिक्रिया के लिए दर आपको बताना है दर नियतांक की इकाई। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको सब पता है, बस थोड़ा सा आपको एक्टिव होने की जरूरत है। आई होप आपने टिक लगा दिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला नहीं, सॉरी फोर्थ वाला। ठीक है, लास्ट वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे, Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Fe3+, 2, 3, 5 या फिर 1, बताओ। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनपेड इलेक्ट्रॉन की, सो गाइज वो है आपकी 5। कार्बनिक यौगिकों की शुद्धता की संतुष्टि की जाती है, प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वेरीफाई इन गलनांक द्वारा, घनत्व द्वारा, अनुभार द्वारा, जल में विलयता द्वारा। सो इसका राइट ऑप्शन होगा गलनांक द्वारा,
मल्टीपल पॉइंट। नेक्स्ट, किस अम्ल को दुर्लभ अम्ल माना जाता है? इन विच ऑफ फ्लोविंग एसिड इज कंसिडर अस वीक एसिड, H2SO4, H3PO4, HCl या फिर वेट्री अम्ल? बताओ किस अम्ल को दुर्लभ अम्ल माना जाता है। और आपको पता होना चाहिए वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। सो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है आपके ख्याल से? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा H3PO4। नेक्स्ट, सरल गणीय एकक कोष्ठिका के लिए समन्वय संख्या का मान है? द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 6। नेक्स्ट, विटामिन तो हमने आपको इतना अच्छा पढ़ाया है जीके एमसीक्यू जेम के चैनल में, जिसने देख लिया होगा नहीं इस चैनल पे तो फ़ायदे में लिंक दे दिया है, वैसे अगर आपने नहीं फॉलो किया है तो। इतना अच्छा रासायनिक नाम हमने आपको बताया था, इसके सोर्सेज बताए थे, इसकी कमी से क्या होता है सब कुछ हमने बताया था, ठीक है, जीके एमसीक्यू जेम के चैनल पर। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? विच ऑफ द फ्लोविंग विटामिन इज वाटर सोलेबल, ए बी ई के, बताओ। सो गाइस इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी। अब ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कि जल में विलय ओनली दो ही विटामिन है, बी और सी, बस जल में विलय कौन है? बी और सी। और कैसे याद रखना है आपको? डब्ल्यू बी सी से, यानी कि वाटर बी सी, वाटर में सोलूबल है बी और सी, विटामिन बी और सी, और बाकी के सब वसा में विलय, ठीक है, जैसे डी आ गया, ए आ गया, ये वसा विलय है, जबकि बी और सी जल में विलय। ओके क्लियर, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, डब्ल्यू बी सी याद रख लो आप तो बस, और बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है ये विटामिन वाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में दुर्लभतम सार है? वीकेस बेस अमंग द फॉलोइंग, H-Cl-, CH3- या फिर CH3O-। निम्नलिखित में दुर्लभतम सार है, इसका राइट ऑप्शन होगा Cl-। अगला क्वेश्चन, और आपको देखो नोट्स तो हम कहाँ पर देंगे आपको? फेसबुक इंस्टाग्राम पे दे देंगे, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपका और हमारा कॉम्बिनेशन बना रहे, किसी भी प्रकार की बातें हम वहाँ पर कर सकते हैं, चाहे आपका नोट्स का हो, चाहे आपके PDF लिंक का हो, चाहे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हो, चाहे आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर का हो, चाहे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वहाँ पर हम पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे लिंक नीचे दे दिया है, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। राउल्ट के नियम नियम से संबंधित है? वाष्प दाब, हिमांक, कवतनांक, प्रसरण दाब। राउल्ट का नियम निम्न में संबंधित है, राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस आपका वाष्प दाब से, ठीक है, वेपर प्रेशर से रिलेटेड है राउल्ट का नियम। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक,